आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ रियल एस्टेट में ट्रेनिंग देने का भी काम करता है। दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है, मैंने ये लिखा है, रियल एस्टेट में कामयाबी के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि यह चाहिए होता है। क्या? ये नंबर एक, बड़ी सोच, आत्मविश्वास, जुनून, रेपुटेशन, सही प्रबंधन। मतलब जो आदमी ये समझते हैं कि पैसे के बगैर काम नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं हो सकता, रियल एस्टेट बिजनेस बिल्कुल नहीं हो सकता, वो गलत सोच रही हैं। आपको सबसे पहले अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। जब आदमी की सोच डेवलप हो जाती है तो 100% उसके जो विचार हैं वो अलग तरीके के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जब आपके मन में विचार आ जाते हैं तो फिर वो उन्होंने सूक्ष्म रूप में आने ही होता है। थॉट बिकम थिंग्स, रोंडा बैरन की किताब सीक्रेट यही सिखाती है। जब भी हमारे विचार, आदमी जैसा भी है वो आदमी उसके विचारों की ही प्रोडक्ट है। तो ये सिंपल बात ये है, जैसे आपके विचार होंगे उसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी होगी। बड़ी सोच इसलिए हमें चाहिए कि यदि हमने बड़ा काम करना है तो हमें बड़े तरीके से ही सोचना पड़ेगा। आप कोई जॉब कर रहे हो, 20,000 की, 25,000 की, 50,000 की, छोटी मोटी दुकानदारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कई ऐसे काम हैं जो सीजनल हैं, जैसे हमारे चंडीगढ़ में कुछ सूप वगैरह लगाते हैं, वो सर्दियों में लगता है और गर्मियों में वो फ्री रहते हैं। यदि आपके पास इस तरीके का काम है, आप अपनी आमदन को बड़ा करना चाहते हो, तो आप अपनी सोच को भी आपको बड़ा करना ही पड़ेगा। यदि आप अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पाओगे तो आप बड़ा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि थॉट बिकम थिंग्स यही बात समझाता है कि जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उसी ने एक दिन कोई चीज़ बनना है, मतलब आगे की आइटम उसी ने बनना है। सो बड़ी सोच आपने रखनी है। बड़ी सोच के वैसे भी बहुत फायदे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी समस्या आपको लगती है, सामने आपके कोई समस्या आ जाए और बड़ी लगती हो, जिस दिन आपकी समस्या के सामने आपकी सोच बड़ी हो जाएगी तो समस्या इतनी सारी लगेगी और आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाएगी। तो जब इतनी बड़ी हो जाएगी तो सोच को जैसे मर्जी हम उसको, मतलब समस्या को हम जिस तरीके से मर्जी हैंडल कर सकेंगे। सो उसमें उससे आगे लिखा मैंने आत्मविश्वास। रियल एस्टेट के काम में आत्मविश्वास होना भी जरूरी है, वैसे ज़िंदगी में भी आत्मविश्वास होना जरूरी है, क्योंकि सामने वाला बंदा जो हमारे सामने बैठा है, हमारे साथ कोई नई पार्टी आई है और वो अपनी कोई बातें मनाना चाहता है हमें, यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो हम उसकी नॉलेज से प्रभावित होकर उसकी बातें मान लेंगे। यदि हमारे में नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा तो हम उसकी बातें नहीं मानेंगे बल्कि उसको अपनी बातें मना के चलेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़ी देर पहले, हरियाणा में एक प्रॉपर्टी थी, दलाल लेके दे रहे थे, लेकिन दलाल बाद में पता नहीं उनकी कैलकुलेशन में नहीं बैठी, उन्होंने कहा कि ये मत लो, आपको नुकसान हो जाएगा इसमें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नुकसान होता हो जाने तो लेंगे ज़रूर। वो हालांकि जब हमारा दलाल ही कह रहा है, हमारा वकील ही कह रहा है कि आप ये केस मत लड़ो, तो फिर ये ऐसी इस तरीके में इस पोजीशन में केस लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस था, हमने कहा कोई बात नहीं, आप डील करवाओ, बाकी हम देख लेंगे। तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी दलाल हैं जो पछताए। ये मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी आत्मविश्वास का एक चैप्टर लिखा है कि हम किस तरीके से सरदार बंत सिंह नंबरदार के साथ राजस्थान में जाते हैं, और बंत सिंह नंबरदार 60 साल की उम्र थी और 25 साल से भी ज़्यादा का उसका तजर्बा था प्रॉपर्टी का, और मेरी उम्र सिर्फ उन दिनों में 42-43 साल थी, मतलब मेरे से बड़े थे, काफ़ी बड़े थे। तो उन्होंने मेरे को मना किया, लेकिन मेरी कैलकुलेशनों में वो ठीक आ रहा था, तो हमने वहाँ पर अपना आत्मविश्वास की, मतलब आत्मविश्वास को आगे दिखाते हुए हमने वहाँ काम करा अपना। और काम करने के बाद नंबरदार बंत सिंह और विजय शिकावत जो जयपुर में रहता लड़का, उसने हमें ये कहा कि आपने हमारी बात ना मन के बहुत समझदारी वाला काम किया है।
उसके बाद जुनून, जब आपके आपने कोई काम करना है तो फिर उसमें जुनून आपका होना चाहिए। जुनून का मतलब यह है कि आप किसी भी तरीके से उस काम को करोगे करोगे। जिस आदमी ने बड़ा काम किया हो ज़िंदगी में, उसके पास ये तीन क्वालिटियाँ जरूर रही होंगी। बड़ी सोच भी रही होगी, जिस किसी ने जहाज़ बनाया, बड़ी सोच रखने के लिए। बड़ी सोच रखने से ये भी आपको फ़ायदा होता है कि सामने वाला बंदा आपको यदि मजाक भी करता है तो फिर भी आप उसको बर्दाश्त कर लेते हो, और सामने वाला बंदा आपको मतलब डिस्करेज भी करता है तो भी आप उसको मैनेज कर लेते हो। आप में यदि आत्मविश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जहाज बनाने वाले बंदे ने, जिसने पानी में बोतलों में पानी बेचा है, उनमें ये सोच भी थी, आत्मविश्वास भी था और जुनून भी था, उन्होंने करके दिखाया। आगे की बात है रेपुटेशन की। रेपुटेशन का मतलब ये है कि आपकी आदतें भी ठीक होनी चाहिए। आदतें ठीक होने का मतलब ये है, कई बार हम दोस्तों में रहते किसी का बाइक लेके मांग के, किसी की कार लेके मांग के, दो घंटे के लिए बोल के गए और फिर पूरे दिन आए ही नहीं, शाम को आके कोई ना कोई बहाना लगा दिया कि मैं यहाँ फंस गया, मैं वहाँ फंस गया। ये नहीं होना, आप जो बोल के गए हो वो करना है। यदि आपने मेरे को 9 बजे का टाइम दिया तो जब आप मेरे घर में 9 बजे बेल बजे तो मैं ये समझूं कि बंदे आ गए हो। ये रेपुटेशन छोटी छोटी, यही रेपुटेशन जो आपके दिमाग में रहेगी, यही जो आपके दिल में रहेगी, यही आपके शरीर में रहेगी, यही बाद में जाके पैसे की रेपुटेशन भी बनती है। यदि आपके पास रेपुटेशन सही है तो आसपास के लोग आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने उनको खराब किया होगा, यदि आपने उनको गुस्से में गुस्सा दिलाया होगा किसी बात पर, या कोई कमिटमेंट नहीं पूरी की होगी, तो वो लोगों को कहेगा यार ये बंदा कोई पाएदार बात नहीं करता। सो हमने इस बात से बचना है। आगे सही प्रबंधन, जो भी हमने ये काम कर रहे हैं, रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, तो इसमें सब तरीके के प्रबंधन होना चाहिए। आसपास में बंदे कौन हैं, उनको आपने कॉन्फिडेंस में लेके चलना है। आपके सामने कौन सा दलाल, कौन सा है ग्राहक, कौन से हैं बेचने वाला, कौन सा है खरीदने वाला, कौन सा है डेवलप करने वाला, कौन सा है मिट्टी डालने वाला, कौन सा है या जेसीबी चला रहा है कोई, वो कौन सा है, यदि आप कोई सड़क बना रहे हो वो कौन सा है, किसी से नक्शा पास कराना है वो कौन सा। हर एक आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में लेके चलना है। यदि आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलोगे तो आप उनसे काम ले सकते हो। यदि आप में कोई गड़बड़ करोगे तो वो आदमी आपको छोड़ के भाग जाएंगे और आप नए सिरे से फिर आदमी ढूंढोगे, नए सिरे से ढूंढोगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उनसे बढ़िया मिल जाए आपको। कई बार उनसे भी खराब मिल जाते हैं। कई लोग घर बनाते हैं, घर बनाते बनाते लेबर के साथ गड़बड़ होगी, लेबर के साथ कोई उनका झगड़ा हो गया तो उनको लेबर को भगा देते हैं। तो जो नई लेबर लेके आते हैं उन्होंने भी ऐसे ही करना है, वो आपकी मासी के लड़के नहीं है, मौसी के लड़के नहीं है कि वो आपके मुताबिक काम करेंगे। बल्कि जिन आदमियों को आपने काम से हटाया होता है वो अपने यूनियन में जाके बात कर देते हैं कि यार वो आदमी बहुत चिड़चिड़ा है, उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, तो आते ही नहीं है, आपका काम का नुकसान हो जाएगा। सो हमने इन बातों का ध्यान रखना है, सही प्रबंधन भी करना है हर एक चीज़ का, मतलब हर एंगल से कोई भी काम कर रहे हो हर तरीके से हर एंगल से उसका प्रबंध करके चलो, ताकि आपकी कामयाबी आपके कदमों में आ सके। दोस्तों छोटा सा टॉपिक था लेकिन मेरे दिमाग में खटकर आता है कि मैं आपके साथ ये बात शेयर जरूर कर लूँ। आज होली का दिन है, होली में सभी को होली वाले दिन की मेरी तरफ से आपको मुबारक, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहोगे और जो अच्छी बातें हैं वो आप सीखते रहोगे, हम नॉलेज शेयर करते रहेंगे। क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी तो हम पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लो, और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। राजवंश सिंह माली आपका होस्ट, आपका दोस्त।